सुबह भी वो, शाम को भी वो, रात को भी वो, तो वड़ा पाव खा खा के हम ही पाव बन रहे थे, मैं और मेरी सहेली। डायरेक्टर एक्शन एक्शन चिल्ला रहे, मैं कर रही हूँ, और उस दिन उन्होंने मुझे सेट से निकाल दिया। जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर में वो चीज़, उस डेटा का वो जो चीज़ है वो फिक्स हो जाएगा, बस वो वहाँ लगा देती हूँ। लोग आके मुझे पकड़ के, तुझे लड्डू बहुत पसंद है ना मीनाक्षी, आज तुझे लड्डू खिलाती हूँ। अरे भाई नहीं खाने लड्डू तुम्हारे, मुझे, मैं नहीं खाती हूँ लड्डू। नमस्कार, राधे राधे, मेरा नाम है कनिका महेश्वरी और आप मुझे कैसे जानते हैं? पता तो है मीनाक्षी भाभी आपकी। दिया और बाती हमसे, आप तो पहचान गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे जॉइंट फिल्म्स डॉट कॉम। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइंट फिल्म्स यूट्यूब चैनल। और आज बॉलीवुड का गूगल आपके लिए एक ऐसे आर्टिस्ट को ढूंढ कर लाया है जिसको आपने टीवी के पर्दे पे देखा है, अलग अलग किरदारों में देखा है, और इतना देखा है कि उनको इसके लिए अवार्ड्स भी मिले हैं। मतलब ये कि आपका इतना प्यार मिला है कि उनको अवार्ड्स भी मिले हैं। कैसे मिले अवार्ड्स, कैसे जर्नी शुरू हुई, कैसे काम किया, कैसे सस्टेन किया, बताएंगे आज के फिल्मी फंडे में। मेरे साथ है कनिका महेश्वरी, वेलकम टू जॉइंट फिल्म्स। राधे राधे। ओके, ये राधे राधे तो अब जुड़ गया आपके साथ। बिल्कुल, कृष्णा भक्त हूँ और राधे राधे कह के मुझे ऐसा लगता है कि राधा मेरे साथ ही है। ओके जी, मुझे जानना ये है कि आप इतनी कैसे पॉजिटिव हो सकती है कि नेगेटिव कैरेक्टर में भी अवार्ड जीत के ले जाते हैं। मुझे लगता है कि अगर किसी भी चीज को पूरे मन से किया जाए और आप जिस चीज से प्यार करते हैं उसको पाने के लिए कुछ भी करना बहुत आसान हो जाता है। और पॉजिटिव रहना तो एक एटीट्यूड है, और अगर पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो लाइफ कैसे आगे हम बिता पाएंगे। लेकिन बहुत सारे आर्टिस्ट जब आते हैं उनका हमेशा डर होता है नेगेटिव करेंगे तो यार वो स्टैम्प लग जाएगा, वो टाइप कास्ट हो जाएंगे, कैसे कर। लेकिन आप बार बार आते हैं और हर बार कुछ ऐसा नया छाप छोड़ के जाते हैं, ये जो इस तरह से प्रिपरेशन करते हैं इसके पीछे कुछ खास सोच है, तैयारी है, प्रिपरेशन है, ट्रेनिंग है, क्या है? डेफिनेटली ट्रेनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है हर किसी की जर्नी की। और मैं तो जितने भी लोग अभी यहाँ पर देख रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगी कि विदाउट प्रिपरेशन एक्टर को नहीं आना चाहिए इस इंडस्ट्री में, क्योंकि फिर बहुत बहुत हार महसूस होती है। क्योंकि आप अच्छा नहीं करोगे, आप बार 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 धक्के खाओगे, तो आपको अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि पता नहीं शायद मुझ में कमी है। लेकिन आपके क्वेश्चन में बताऊं कि प्रिपरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। और आई डू शॉप फॉर लाइफ, मतलब शॉपिंग फॉर लाइफ मतलब कि मैं बहुत सारे किरदारों से मिलती रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, कुछ मेरे एक सेट ऑफ क्वेश्चन होते हैं, कहाँ से हो भैया, कौन सा खाना खाते हो, माँ प्यार से तुम्हें क्या कहती है, और कोई गर्लफ्रेंड थी कि नहीं, उस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना, उससे इंसान एकदम से कनेक्ट हो जाता है आपसे, और फिर वो अपने बारे में बताते हैं। और वो सारे इन्फॉर्मेशन मैं अपने डेटाबेस में रख लेती हूँ, और उसके बाद में जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि इस कैरेक्टर में वो चीज़, उस डेटा का वो जो चीज़ है वो फिक्स हो जाएगा, बस वो वहाँ लगा देती हूँ। तो नॉर्मली तो लोग इसको ऑब्जर्वेशन समझते हैं, लेकिन आपने इसको एक नया वर्ड दिया है। जी, शॉप फॉर लाइफ। शॉप फॉर लाइफ, यस। इसके पीछे कोई खास वजह? क्योंकि शॉपिंग करना पसंद है हर इंसान को, पसंद है शॉप करना, और स्पेशली लड़कियों को तो बहुत पसंद है, और लड़कों को जाना नहीं पसंद है, इसलिए शॉपिंग इज शॉप फॉर लाइफ। तो मतलब एक्टर शॉपिंग करता है इस तरह के कैरेक्टर की, और बाकी अलग हो गई। बिल्कुल। ओके, देखिए नॉर्मली आप बहुत सारे टीवी शोज में आए और हर करेक्टर से आपने अपनी छाप छोड़ी, पहचान बनाई, जैसा कि मैंने शुरू में कहा, तो लोग तो आपको उन करेक्टर के नाम से जानते हैं, सीरियल के नाम से जानते हैं, लेकिन मुझे मालूम है जब एक एक्टर अपने प्रोडक्ट्स के नाम लेता है, अपने सीरियल के नाम लेता है, करेक्टर के नाम लेता है, तो एक खास फर्क होता है, तो आप जरा बताएं कौन कौन से शोज और कौन कौन से करेक्टर। जो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगी कि सबसे प्रिय है मेरे लिए, वो है मेरा मीनाक्षी का किरदार, क्योंकि दिया और बाती हमने मुझे वो पहचान दी जो एक हर एक्टर चाहता है, हर कलाकार चाहता है कि उस जैसी पहचान हर किसी को मिले। मतलब बॉम्बे जैसे शहर की एक बात बता रही हूँ, बॉम्बे में एक्टर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, क्योंकि जब तक आप शाहरुख और सलमान नहीं हैं तब तक आपके पीछे दुनिया दीवानी नहीं है। मतलब आप कहीं और बाहर चले जाएंगे लोग ज़रूर आपको प्यार करेंगे, लेकिन बॉम्बे में ठीक है एक्टर्स हर जगह दिख जाते हैं। लेकिन मैं मीनाक्षी के किरदार के लिए बताऊं कि मैं गोलगप्पे की शॉप पे भी खड़ी होती थी तो गोलगप्पे वाला भी मुस्कुराता था, ये लो सगी बहन समझ के खिला रहा हूँ। क्योंकि मेरा कैरेक्टर ऐसे ही बोलता था कि देख सगी बहन समझ के मुझे गोलगप्पे खिलाना, तो इतना पॉपुलर था, लोग आके मुझे पकड़ के, तुझे लड्डू बहुत पसंद है ना मीनाक्षी, आज तुझे लड्डू खिलाती हूँ। अरे भाई नहीं खाने लड्डू तुम्हारे, मुझे, मैं नहीं खाती हूँ लड्डू। तो मीनाक्षी का जो किरदार है वो मेरे बहुत ज़्यादा
मैं मेरे लिए प्रिय है। और उसके बाद राजा की आएगी बारात स्टार प्लस पे था, वो शो भी बहुत बहुत पॉपुलर सीरीज़ थी, विरासत जैसा शो जहाँ पे अमर उपाध्याय, अमन वर्मा, किरण सर, जयती भाटिया, संगीता घोष, मतलब बड़े से बड़े एक्टर्स के सामने मैं खड़ी हुई थी और बहुत मज़ा आया था वो शो करने में। इंडिया कॉलिंग, कहानी घर घर की, लिपस्टिक, ये तमाम ऐसे बहुत बेहतरीन शोज़ हैं जो कि मैंने किए हैं और इन पे मुझे फ़ख्र है कि मैंने किया है। जो गोलगप्पे वाले ने कहा वो तो आपके लिए एक आर्टिस्ट के तौर पे तो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, मतलब अभी भी मुझे लोग देख देख के ऐसे गोलगप्पे तो मतलब मुझे अभी भी हंसी आ जाती है कि ओ माय गॉड, अभी भी लोग वो इतनी छोटी छोटी बारी, ये बहुत बारीकी थी कि एक किरदार को एक छोटी सी बारीकी की गली से निकाल देना कि जैसे होता है ना हम एक्टर्स को बोलते हैं रंगीन कर देना अपनी चीज़ों को कि लोग उसी चीज़ से आपको प्यार करें, वो नहीं कि आपने क्या पहना है और आपने क्या किया है, मतलब वो छोटी छोटी चीज़ों से ही आपको समझ जाएं। वो जो चीज़ मैंने की, कोशिश की अपने किरदार में करने की, वो जो लोगों तक पहुंची, वो मुझे बहुत खुशी है। ओके, तो एक खुशी तो होती है करेक्टर्स को करने की, नए नए किरदारों को निभाने की, फिर खुशी बहुत दुगनी हो जाती है, चौगुनी हो जाती है जब उसके लिए अवार्ड्स भी मिलते हैं, रिकॉग्निशन भी मिलता है। जी जी, तो वो मोमेंट कैसे थे? जब मैं आई थी कहानी घर घर की कर रही थी तो मुझे पहली बार इन्विटेशन मिला था स्टार से कि स्टार परिवार अवार्ड्स में आ पाए। तो क्या हुआ, बहुत आखिरी में सीट मिली, तो मतलब जो पर्दा था वो था, मैं ऐसा ऐसा करके देख रही थी क्योंकि मेरी हाइट भी छोटी है, इस वजह से मन में एक ख्याल आया कि एक बार ना मैं भी जाके उस स्टेज पे ना ज़रूर अवार्ड लूँगी। बस एक वो चीज़ थी, जब मुझे पहली बार स्टार परिवार अवार्ड में अवार्ड मिला, वो पल था जब मुझे ऐसा लगा कि शायद उस दिन की जो अपने अंदर एक आवाज़ आई थी, हाँ वो आवाज़ आज पूरी हुई है। मतलब वो सफ़र था, वो सफ़र मुझे तय करना था लेकिन वो सफ़र हसीन था, वो उस वो मेहनत जो थी वो आज रंग लाई है। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे स्टार परिवार के साथ साथ में मुझे गोल्ड अवार्ड्स और ITA, IIT, जी तक ने हमें अवार्ड्स दिए हैं, तो वो काबिले तारीफ़ है क्योंकि ऑपोजिट जैसे आप स्टार का आप कर रहे हो और जीश वाले आपको अवार्ड दें, वो बहुत बड़ी बात होती है, आपके आपके किरदार को या आपके आपकी चीज़ को इतना ज़्यादा पसंद करें, वो बड़ी बात थी। जब पहली बार इरादा किया, सोचा ठाना कि मुझे एक्टर बनना है जी, तो आपके शहर में, आपके घर में क्या माहौल था? अरे बाप रे, मेरे जो पिता हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मेरी माँ जो है वो हाउसवाइफ हैं, और जब मारवाड़ी घर से हूँ तो पिता को लगा कि ये तो पागल हो गई है, इसे क्या हुआ, शादी की उम्र में ये एक्टर बनेगी? उन्होंने कहा कि अपना समूह लेकर आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरी माँ को मुझ पे यकीन था, उसने कहा एक बार अपनी मन की करने तो दो। और माहौल अच्छा नहीं था क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं, तू शहर में किसी को नहीं जानती है, अपनी जवान लड़की को मैं नहीं भेजूँगा। लेकिन न जाने कृष्णा के मन में क्या था, उसने वो जुनून भर दिया कि मुझे जाना ही है, बस मैंने बस कपड़े पैक किए और निकल गई मैं। तो जुनून जुनून में आ तो गए जी, लेकिन आने के बाद और पहले मौके तक का क्या समय लगा, क्या चल रहा था मन में, क्या डर थे, क्या डाउट्स थे, क्या एक्साइटमेंट था? मैं सच बताऊँ, ये सारी चीज़ें तो बाद में बातें, पहले तो ये था कि बड़ा पाव खाना खा खा के पेट दर्द हो गया था। अच्छा। क्योंकि खाना जो माँ के हाथ का खाना खाते हुए आप आराम से जिंदगी जल रही थी, वो बड़ा पाव पे आ गई थी, क्योंकि तब उस टाइम पे शायद 2.5 रुपये का बड़ा पाव मिलता था, 2.5-3 रुपये का, और उस सुबह भी वो, शाम को भी वो, रात को भी वो, तो बड़ा पाव खा खा के हम ही पाव बन रहे थे, मैं और मेरी सहेली, और हम कह रहे थे यार माँ की याद आ रही है, खाने की याद आ रही है। लेकिन मन में कहीं था कि नहीं, आए हैं तो कुछ करके जाएंगे, आए हैं तो कुछ करके जाएंगे। ऑडिशंस देती रही और मुझे याद है कि मैं एक जगह पर गई थी, वहाँ पे सांझ सवेरा करके एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म बनाते थे सहारा वाले पहले, तो आमिर खान सर के जो ब्रदर हैं फैजल खान, उनकी डॉटर का रोल मिला मुझे। तो फैजल सर ने मुझे देखा और जो डायरेक्टर और राइटर थी उषा दीक्षित जी, उन्होंने देखकर कहा नहीं तुम कर लोगी, मैं तुमसे करवा लूँगी, नहीं तो बहुत लोग लाइन में थे। okay. तो फैजल सर ने कहा कि दिस गर्ल इज़ नाइस, और
उन्होंने मेरा ऑडिशन भी नहीं लिया, उन्होंने कहा कल से सेट पे आ जाना. Okay. और मुझे लगा पता नहीं क्या होगा, क्या रोल होगा मुझे पता नहीं, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी सच अ नाइस रोल. और उस दिन के बाद से मेरे में ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ मैं कर सकती हूँ. मतलब जब पहले मौके की मेहनत मशक्कत होती है वो अलग होती है, उसके बाद तो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो ही जाता है. जी ठीक है. तो जब वड़ा पाव खा रहे थे सब कुछ करते, तो दिक्कत ये थी कि मम्मी को बता भी नहीं सकते, नहीं तो बोलेंगे वापस वापस आ जाओ, अपने घर में भी है रोटी. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो उस टाइम पे बहुत सारी चीजें मैनेज भी खुद ही करनी होती है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. तो उसके बाद वो सहारा का शो मिला, देन उसके बाद आप फिर बड़े शोज में गए. हाँ, मतलब उसके बाद में भी मैं एक शो में गई और एक नीलिमा जी करके एक बहुत बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट थी, वो सामने आई तो मैं एकदम डर गई और मैं डायलॉग्स भूल गई. डायरेक्टर एक्शन एक्शन चिल्ला रहे, मैं कर रही हूँ. और उस दिन उन्होंने मुझे सेट से निकाल दिया. हाँ, कि कहाँ से आ गई हो तुम, जा यहाँ से. फिर नीलिमा जी आई मेरे पास, उन्होंने कहा बेटे डरना नहीं है, डरना नहीं है, बस अगर डरोगे ना तो ये लोग और डराएंगे, अपने याद करो लाइन्स और कल अच्छे से करके आना. मैं, मुझे वो याद है कि मैं पूरी रात सिर्फ और सिर्फ अपने डायलॉग्स याद कर रही थी और डायलॉग्स याद कर रही थी. और अगले दिन मैंने जाके सारे अच्छे से डायलॉग्स बोल दिए और डायरेक्टर ने कहा हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है, याद करके आना, स्क्रिप्ट पहले दे देना इसको. लेकिन बात स्क्रिप्ट की थी नहीं थी, बात उस डर की थी. वो डर निकालना बहुत ज़रूरी है. और जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, मैं उनको यही कहना चाहती हूँ कि डर से नहीं जीना है, डर के तो आप कुछ आगे नहीं कर पाएंगे. और मरना तो सबको एक दिन, तो उस डर से क्यों जीना है ना. सही बात, सही बात. तो आज भी आप काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं. अब लोग आपका काम देख के आपको काम देखते हैं या आप काम चुनते हैं? सौभाग्यशाली कहूँगी अपने आप को कि इस वक्त इस जगह पे खड़ी हूँ कि मैं, मुझे फ़ोन आते और कहते हैं कनिका जी ये कीजिएगा, ये रोल है, ये है. मैं कहती नहीं, मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मेरे बस की बात नहीं है. या फिर कब, अब तो ये भी कह देती नहीं सेट बहुत दूर है, मैं नहीं आऊँगी इतनी दूर. अब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली कहूँगी क्योंकि right. पहले तो यहाँ से साकी नाका तक जाने में कोई दिक्कत नहीं थी, बस में भी right. अब तो. और आज तीन तीन गाड़ियाँ हैं, ड्राइवर है, तब भी साकी नाका जाने में प्रॉब्लम है. बट right. जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो वैसे आपको अपने बारे में भी पता चलता है कि आप किस, आपके अंदर कितनी काबिलियत है. और वो जो समय दिया है प्रभु ने आपको, उस समय का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अगर वो समय आपने सिर्फ भटकने में निकाल दिया भटकने में ही निकाल दिया, तो आप वो नहीं कर पाओगे जो आप करना चाहते हो जीवन में. तो यही कहना चाहती हूँ कि सौभाग्यशाली हूँ. ओके. अभी जब ये शहर ने आपको इतना काम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन देने के साथ साथ सिखाया क्या, मुंबई ने क्या सिखाया? आपको अपने बलबूते ही आगे बढ़ना है. आपको अपने अपने आप को इतना काबिल बना देना है कि आपको किसी की ज़रूरत ना पड़े. तो ये ज़रूर उसने, इस शहर ने मुझे समझा दिया. ओके. कोई भी इंसान वो जिंदगी भर एक बात से जूझता है जी, कि मेरी अपनी पहचान हो, मेरी अपनी आइडेंटिटी हो जी. पहले वो अपने परिवार में ढूंढता है जी, फिर मोहल्ले में ढूंढता है, फिर शहर में ढूंढता है, फिर उसके बाद चाहता है कि यार और दुनिया में लोग मुझे जाने. इसी चाह में आदमी जिंदगी भर लगा रहता है. आपको लगता है कि आपने अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर ली? आइडेंटिटी मैं ये कहूँ कि लोग मुझे जानते हैं, मुझे मेरे सिर्फ काम से जानते हैं कि मैंने दियाबाती का काम किया है, मैंने नच बलिए किया है, या मैंने अपनी फिल्म बनाई है. अगर आप इसको आइडेंटिटी बोलते हैं तो मैं मान लेती हूँ कि यही आइडेंटिटी है. वरना मेरे लिए एक अच्छा इंसान रहना ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई लोग बस मुझे मिलें और उनको लगे कि बस मैं मन की बात कह दूँ, बस ये, मतलब मैं इसके साथ में अच्छा फील करती हूँ या अच्छा फील करता हूँ, बस वो बस उससे ज़्यादा क्या चाहिए. ठीक है, तो हमने भी आज बहुत अच्छा फील किया. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट. तो ये थी कनिका माहेश्वरी. बहुत अच्छे से इन्होंने बहुत ही सहज भाव से सारी चीज़ें बताई. आपके लिए हमेशा की तरह कंक्लूड कर देता हूँ. पहली बात तो ये है कि आपको जो क्या है, लाइफ की शॉपिंग करते रहना चाहिए, मतलब एक्टर के तौर पर बहुत ज़रूरी है. ये एक बहुत अच्छा वर्ड दिया, आपके हमेशा जहन में रह जाएगा ये. दूसरी बात है कि डर से डरना नहीं है, डर को डराना है. क्योंकि जिस दिन आप डर को फेस करके, जैसे उन्होंने फेस किया और डरा दिया, उसके बाद काम आसान हो गया. तीसरी बात यह है कि आपको अगर अपनी पहचान बनानी है, कामयाबी पानी है,
वो आपकी कामयाबी है तो उसके लिए लड़ना भी आपको होगा, संघर्ष भी आपको करना होगा, भले वो फिर वड़ा पाव खाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, वो सब आपको ही अकेले करना पड़ेगा, क्योंकि सफर अकेले ही तय किया जाता है। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, फिल्म सेलिब्रिटी और जॉइंट फिल्म्स मेंटर्स की एक्टर मास्टर क्लासेस देखने के लिए डाउनलोड कीजिए जॉइंट फिल्म्स ऐप। I can.